अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। इस वक्त हमारे यहाँ चल रहा है तीसरा रोज़ा, तो वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि हम दो दिन से पिछले थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, रमज़ान में ज़रा थोड़ा मिक्स होने की कोशिश कर रहे थे। अब हम बिल्कुल सेट हो चुके हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं बफलो बायू पार्क। ये पार्क जो है 160 एकड़ पर फैला हुआ है, ह्यूस्टन डाउन टाउन के बिल्कुल जो सेंटर है शहर का, ये वहाँ पर वाकई है। और इसके साथ बहुत से मुल्का पार्क्स भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्क को विज़िट करें। और मौसम जो है यहाँ का इस वक्त जो है बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। देखिए आप पेंट शर्ट मैंने पहनी हुई है, सब सेट चल रहा है बिल्कुल मौसम। आपको भी दिखाते हैं पार्क और ख़ुद भी विज़िट करते हैं। भाई यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे उन्होंने साइकिल के पोर्ट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से आप साइकिल ले सकते हैं। वहाँ पे मैकेनिकल साइकिल्स भी हैं और इलेक्ट्रिकल साइकिल्स भी हैं। तो मैंने एक ढूंढा है, उस पर दो साइकिल्स अवेलेबल हैं, 0.8 माइल है तकरीबन, और वहाँ जाएंगे, वहाँ से साइकिल पकड़ेंगे ताकि पूरा पार्क फिर सके। कम है बिल्कुल रवा दवा साइकिल स्टेशन की तरफ, और पीछे से मुझे किसी ने भी रिंग की है। यहाँ हर वक्त आपके पीछे से और आगे से साइकिल वाले गुजरते रहते हैं, और लोग यहाँ पे रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं ज़्यादातर लोग, तो इनका ख्याल रखना पड़ता है कहीं पीछे से आगे लग ही ना जाए आपके ऊपर। तो इस वक्त हम दूर हैं तकरीबन, मीसम अगर मोबाइल दिखा सके अपना, तो ये 10 मिनट दूर हैं हम अभी, और ये पैदल का रास्ता है 10 मिनट। इसमें फिर तुझे याद है जब हम ऑस्टिन गए थे तो वहाँ पे हमने स्कूटीज चलाई थी इलेक्ट्रिकल, कैसा लगा था तुझे वो? यार वो उस पर तो बहुत ही मज़ा आया था, पहली दफ़ा चलाई थी लेकिन एक्सपेंसिव बहुत थी, कि पता नहीं 1 मिनट पे $2 ले रही थी, पैसे बहुत लगे थे लेकिन बहुत तेज़ चलती है। सो यहाँ पे होता ये है कि जब आप डाउनटाउन में जाते हैं तो वहाँ पे सड़कें तंग होती हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर वो साइकिलें, इलेक्ट्रिकल साइकिलें और स्कूटीज़ वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज़रा रश में से बंदा ज़रा जल्दी निकल जाता है, वो इस तरह आसानी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि लोग जल्दी से काम की तरफ जाना चाह रहे होते हैं अपने। ये स्टेशन हमें मिला है 1 माइल चल के। यहाँ पे ये मैनुअल पेडल वाली साइकिल्स हैं, लेकिन एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल हम चाह रहे हैं जल्दी से इसे पकड़ लें, इससे पहले कोई और लेके चला जाए। यहाँ अमेरिका की एक अच्छी बात ये है कि आप जहाँ पे भी जाएँ वहाँ पे आपको दुकानदार से नहीं मिलना पड़ता, अब ये साइकिल पे आए हैं यहाँ कोई बंदा नहीं खड़ा जो कहेगा कि भाई यहाँ कितने मिनट के लिए चाहिए, मुझे पैसे दिखाओ, ये वो, ये कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आए, यहाँ पे ये लगा हुआ बार कोड, स्कैन किया एंड यू आर रेडी टू गो, आपका जहाँ दिल चाह रहा चले जाएँ। आप यहाँ से निकाल के इस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर तक जाएँ, वहाँ किसी और स्टेशन में जाके खड़ी कर दें, कोई आपसे नहीं पूछेगा। कुछ लोग तो होते हैं वो अपनी गाड़ी की डिक्की में रख के ऐसे ले जाते हैं घर और अगले दिन लेके दोबारा वापस आ जाते हैं, लेकिन पे करते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे ये बहुत आसानी है इस मामले में। तो अब हमने साइकिलें ले ली हैं दोनों, मैंने भाई से ये छीन ली है इलेक्ट्रिक बाइक और भाई के पास है शादी वाली, पहले मैंने वो पकड़ी थी, वो चल तो वो भी बहुत अच्छी रही है, इलेक्ट्रिक लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ पैसे ज्यादा दिए। साइकिल चला के बहुत मजा आया, बिल्कुल बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। और इस बाइक की खास बात ये है कि ये फुल इलेक्ट्रिक नहीं, हाफ इलेक्ट्रिक, आप पेडल मारते हैं तो आधी जान आप लगाते हैं, आधी जो है वो मोटर लगाती है इसकी, ये एक अच्छी बात है इसकी। ये बड़े होने का एक फायदा भी है क्योंकि मीसम जो है वो बिल्कुल पैडल वाली साइकिल पे। मुझे ज्यादा बचपन की याद आ गई है क्योंकि उतनी मेहनत लग रही है जितनी बार लगती थी, पसीने आ रहे हैं। हाँ तो मीसम के लिए एक सजा है और मेरे लिए मजा आई। तो एकदम से मीसम को चुल्ल हुई है, उसने कहा कि मैं जरा थोड़ी सी वैरायटीज करके दिखाता हूँ साइकिल पे जो बचपन में ही किया करता था, चलो इसको कुछ ऐसा करके दिखा, मशहूर हो जाए जिसकी वजह से क्या कर लो उसे, देख जो मर्जी करियो अपना मुंह ना तोड़वाइयो करके। वो अच्छा वो पीछे बास्केट है, रुक यहाँ पे इधर पैर हो आई ओए रुक मर गए। तो कुछ यार कुछ कमाल के करके दिखा। हाँ अभी अलामा इकबाल स्टाइल, अलामा इकबाल ओके। चल इसे यार व्हील मार के दिखा, एक व्हील मार के दिखा। नहीं सीधी साइकिल तो चल नहीं रही तेरे से। हमें यहाँ जाते हुए साइकिल पे से गुजरते हुए कुछ लोग मिल गए हैं और शक्लें देखे हमें बिल्कुल पता चल गया कि पाकिस्तान या इंडिया से आए हैं। ये भाई हैं, अपना नाम बता दें। विजय। विजय और आप हैं गुजरात से? जी जी। यहाँ इंडिया के भाई मिल गए, एक और इंडिया के भाई हमारे साथ हैं। शिवम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली वाले भाई। मैं बड़े अरसे से दिल्ली वाले किसी भाई से मिलना चाहता था। आपको पता है कि हमारे जो अबाव अजदाद थे वो सारे दिल्ली के थे। दिल्ली के थे हम, हमारे अबाव अजदाद कुछ कराची आए थे, कुछ लाहौर आ गए थे। ये भाई, एक और भाई है यहाँ पे, आकाश। आकाश से? ये गुजरात से। ये बड़े प्यारे भाई गुजरात से।
आप भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दे थोड़ा सा। यार मैं क्वेटा से। क्वेटा से? क्वेटा से। आप पैदाइश क्वेटा की है या अभी भी रहते हुए वहीं थे? नहीं नहीं मैं उधर ही रहना रहता हूँ, लेकिन कॉलेज वॉलेज लाहौर में था, लेकिन मैं जो है ना रहा शाह उधर ही। उधर ही रहे। क्या हालात है क्वेटा के? क्वेटा के हालात ठीक है। सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। हमें बुरी बातें बताई जाती है। बस वो सारा मीडिया का काम है। सारा मीडिया का काम है। चल। और ये भाई जी, आप भाई कहाँ से हैं? लाहौर से? लाहौर से। ये लाहौर से मैं गिन रहा हूँ, जब से मैं उस दिन आया मैं गिन रहा हूँ कि कितने लाहौर से भाई मुझे मिल चुके हैं। ये चौथे नंबर पे मिले मुझे। इतने कम भाई यहाँ पे लाहौर से आए। वो भी लाहौर से। ये साइकिलिंग कर रहे थे अभी भाई ने, जो पाकिस्तानी और इंडियन भाई मिले हमारे, उनसे बात की है। तो अभी थोड़ा ही आगे आए हैं तो यहाँ पे ये मिला हमें बैठे हुए भाई। आगे तीन चार इसी किस्म के इन्होंने बनाए हुए स्टैचू। ये असल में इंग्लिश अल्फाबेट्स भी हैं इसमें, उर्दू के भी स्वाद नज़र आ रहा है मुझे, जापानीज भी नज़र आती आ रही है, चाइनीज भी। इन सब से बना के इन्होंने ये बंदा बिठाया हुआ है, जो कि लग रहा है जैसे नमाज पढ़ रहा है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये बनाया हुआ है। वही पूरा खपने के बाद $16 ज़ाय करने के बाद, आपको पता है $16 जो होते हैं, अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं 75% गाड़ी जो है अगर 1600 cc हो तो फुल हो जाती है, और तकरीबन जाएगी वो 100 माइल निकल जाएगी। $16 हमने इस चीज़ पर जाए किए। रोज़ा अलग लग रहा है, एक घंटा रह गया अफ्तारी में, बुरा हाल हो गया। अब दोबारा इधर आ गए हम स्टेशन पे, दोबारा इन्हें लगाएंगे यहाँ पे और फिर 1 माइल फिर जाएंगे हम जहाँ पे हमें जाना है। अभी तक हम कहीं नहीं पहुँचे, यहीं पे लूर लूर फिर रहे हैं। ये हम साइकिलें पार्क करने के बाद वापस जा रहे हैं डॉग पार्क की तरफ। तो नज़र आई है मुझे लॉस्ट लेक। भाई यार वैसे अगर ये लॉस्ट लेक है तो हमें अब तो मिल गई है, अब इसका नाम क्यों नहीं बदल देते? इनको किसी ने गलत बता दिया ये लेक है, ये कुछ गलत समझ बैठे हैं, ये कोई लेक है यार? इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जोनी स्टील डॉग पार्क और मैं हैरान हो चुका हूँ, क्योंकि इतना बड़ा पार्क वो भी कुत्तों के लिए सिर्फ। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे कुत्तों के लिए उन्होंने बिल्कुल नहाने की जगह बनाई हुई है, और एक अजीब चीज़ है जैसे कार स्टेशन होते हैं कार्स को धोने के लिए, वैसे वो उधर लगा हुआ कुत्तों को धोने के लिए स्टेशन। तो कुत्तों की हाइजीन का और उनके सेहत का बहुत खूब ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। खैर मेरे अगर करीब से कुत्ता गुजर जाए तो मैं तो बिल्कुल बर्फ होकर खड़ा हो जाता हूँ, बहुत डर लगता है मुझे इन चीज़ों से। तो एक अंदाजे के मुताबिक मैंने गूगल सर्च करके देखी है, यहाँ हर दूसरे के बंदे के पास एक कुत्ता है, हर दूसरे बंदे के पास या तो कुत्ता होता है या बिल्ली होती है। तो यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, या तो कैट पीपल होते हैं या डॉग पीपल होते हैं, दोनों की बहुत लड़ाई होती है, आपस में नहीं बनती बिल्कुल भी। He's really active. तो मैं अब ये बॉल फेंकने लगा हूँ, देखते हैं पकड़ के आता है कि नहीं आता। अब इसका नाम विल्सन है। Is he a male or female? Is a male. Hey Wilson, go catch it. Here. Lefty कोई नहीं करा रहा। He was abandoned as a puppy with his brother, and there was a gentleman who took him in, but he was under the influence of drugs pretty heavily, and was unfortunately allowing him to become malnourished and covered in fleas. So I was able to take him in as a puppy, and he's been a good boy since then. So I think he knows he's been rescued. Yeah. How old was he when you took him? He was only a few months old. Now he is 2.5. He'll be 3 in July on the 16th. Thank you. Puts like a handprint on it. Yeah, but it's not on me. Thank you. Or you both cheat. भाई को बहुत ही कुत्ता पसंद आ गया, बात खेले ही जा रही। हम ये गुजर रहे थे तो हमें कुत्ता नजर आया, ये इनके मालिक हैं, अब ये बताएंगे इसके बारे में। So what's his name? His name is Wapo. Wapo. He's an American bully. Bully is a dog cross between a pit bull and a bulldog. Oh. The reason why they crossed them was so they could look mean. He looks mean, but he's not mean. He's a very playful dog. So the bulldog, you know, he's lazy. That's why he has the bulldog look. And the pit bull, he looks mean. But everybody thinks he's mean, but he's not mean. He's a very friendly dog, you know. Yeah, he looks like a cool dog. Yeah, he he's, it looks so like a very innocent. He's crossed between a
a pit bull and a bulldog. So yeah. They made it so like that people could have them in their house because pit bulls are too aggressive. So that's why they crossed the bulldog, the English bulldog with the pit bull. He told me his name. What does it mean in Spanish? His name, Guapo, in Spanish means handsome. He's a handsome. So his name is Guapo. How long have you had him? I've had him. He's about to be a year old. A year old. Yeah, he's 10 months. He looks quite strong. Yeah, he's a very strong dog. These are very, if you pull him, he is a very strong dog. Look, well, look, hold him. Come here. Come on. Come on, Guapo. Come on. Come on. Come on. Come here. Come on. If you can see, he's strong. They're very strong dogs. तो नाज़रीन ये था आज का व्लॉग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी सब्सक्राइब करें. और हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि इफ्तार का टाइम आता जा रहा है. करीब घंटा रह गया तकरीबन इफ्तार में. हम घर जाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे और फिर अगले रोज़े की तैयारी शुरू. अल्लाह हाफिज़.